भारत ने आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज को 119 रनों से हरा दिया है। टीम ने इस मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर जीत हासिल की है। शिखर धवन के नेतृत्व में टीम ने पूरी सीरीज में कमाल का खेल दिखाया। भारत ने तीनों वनडे मुकाबले अपने नाम कर सीरीज में वेस्टइंडीज को 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। इस मुकाबले में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम ने कैरेबियाई टीम को उसके घर में सीरीज के सभी मुकाबलों में मात दी है, मतलब कि सीरीज में क्लीन स्वीप करने में सफलता हासिल की है। भारतीय टीम साल 1983 से वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज खेल रही है, लेकिन इससे पहले ये कमाल करने में टीम असफल रही थी। इसके अलावा टीम इंडिया एक कैलेंडर ईयर में किसी टीम को डबल व्हाइट वॉश करने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले फरवरी 2022 में भारत ने घरेलू सरजमी पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ किया था। इससे पहले दूसरे वनडे मुकाबले में जीत हासिल करने के साथ ही किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा ओडीआई सीरीज जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। साल 2007 से वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी सीरीज नहीं हारने वाली टीम इंडिया की कैरेबियाई देश पर यह लगातार 12वीं सीरीज जीत है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस मामले में भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के नाम किसी देश के खिलाफ लगातार 11 ओडीआई सीरीज का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया है। पाकिस्तान की टीम साल 1996 के बाद से जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई भी वनडे सीरीज नहीं हारी है। वहीं इस मामले में तीसरे नंबर पर भी पाकिस्तान की टीम ही है। उन्होंने साल 1999 से 2022 तक वेस्टइंडीज की टीम को लगातार 10 वनडे सीरीज में मात दी है। मैच की बात करें तो भारत ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण मुकाबले को पहले 40 ओवरों का किया गया, लेकिन लगातार बारिश के कारण टीम इंडिया 36 ओवर ही खेल पाई, जिसमें टीम ने 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए। ओपनर शुभमन गिल 98 गेंदों पर 98 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से हेडन वॉल्श ने 2 विकेट हासिल किए। यहां से फिर एंट्री हुई डकवर्थ लुईस नियम की, जिसके आधार पर वेस्टइंडीज को 35 ओवरों में 257 रन का लक्ष्य दिया गया, लेकिन टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। सिराज ने अपने पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज के 2 खिलाड़ियों को चलता कर दिया। इसके बाद भी टीम लगातार विकेट खोती रही। वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 26 ओवर में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने, इस वीडियो को शूट किया है पंकज ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।